राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, सफलता पाने के लिए जितना ज़रूरी मेहनत करना है, उतना ही ज़रूरी है खुद को हमेशा मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रखना। कई बार हम किसी काम में सफल होने के लिए मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन मोटिवेशन की कमी के कारण उस काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, आज इस प्रसंग के जरिए मैं आपको कुछ ऐसी मोटिवेशनल स्पीच फॉर सक्सेस इन लाइफ के बारे में बताऊंगी, जो आपको सफलता के लिए हमेशा मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड करेंगी। ये प्रसंग आपके बहुत काम आएगी और जीवन में आपको आगे बढ़ाएगी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है दोस्तों, अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। हम अपनी लाइफ में जब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि जिस काम में वो फेल हो रहे हैं वो काम करना उनके बस से बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वो कभी हार नहीं मानते, बेशक वो काम करने के तरीके को बदल देते हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी नए काम की शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती, और वक्त के साथ साथ हम सब कुछ सीख भी जाते हैं। हमें अपने पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो बेशक हम उसे कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है ना। शुरुआत में ही हर कोई सक्सेसफुल तो नहीं हो जाता। जो लोग अपने फेलियर से कुछ सीखते हैं वो लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं, और जो लोग अपने फेलियर की वजह से पीछे हट जाते हैं वो लोग हमेशा एक्सक्यूजेस ही देते रहते हैं। साथियों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस संसार में ऐसी बहुत सी सफलता की कहानियां हैं उन लोगों की, जो शुरुआत में सक्सेसफुल नहीं हो पाए लेकिन अंत में उन्होंने अपनी मेहनत और विश्वास से वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसके वे काबिल थे। इन लोगों की कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी काम को पूरी मेहनत और आत्मविश्वास से करना चाहिए। ये कभी मत सोचो कि आप फेल नहीं हो सकते, बल्कि हमेशा ये सोच रखो कि अगर मैं फेल भी हुआ तो कुछ ना कुछ सीखूंगा ही, और जो कुछ भी मैं सीखूंगा वो चीज़ मुझे मेरे जीवन में हमेशा कुछ नया करने की मोटिवेशन देगी। पॉजिटिव एटीट्यूड से हम वो हर चीज़ पा सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। लाइफ में कभी भी हमें इजी गिव अप नहीं करना चाहिए। जब तक सफल होने की उम्मीद बची रहती है तब तक हमें अपने काम को करते रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं लोगों की बदलती है जो लोग मेहनत करना नहीं छोड़ते। हमेशा याद रखना दोस्तों, अपनी नाकामयाबी का दोष दूसरों को नहीं देना। हम अक्सर अपनी नाकामयाब जिंदगी का कारण दूसरों को मानते हैं। अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखिए कि आपको क्या क्या नहीं मिला, उनके कारणों को जानिए। अगर आप ब्लेम गेम में उलझने लगेंगे तो इससे यह देख नहीं पाएंगे कि आपने क्या क्या गलतियां करी थी। अगर पास्ट में आपने किसी और को अपनी जिम्मेदारियां उठाने दी तो उसकी भी कुछ ना कुछ वजह रही होगी, है ना। और जब ये बात आपकी समझ में आए तो उसी वक्त से अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाना शुरू कर दें। इस बात की कोई गारंटी नहीं है दोस्तों कि आपको हमेशा सफलता मिलेगी, लेकिन दूसरों को जिम्मेदार न मानने से कम साफ तौर पर ये देख पाएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर हम इस इंतज़ार में रहेंगे कि हमारी ज़िंदगी में
हमारे लिए फैसले दूसरे लेंगे और उनकी वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे, तो आप अपनी इस सोच को बदल लीजिए। निर्णय दूसरों के हो सकते हैं पर मंजूरी आपकी होनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं अगर उसकी जिम्मेदारी अगर आप खुद नहीं लेंगे तो परिणाम कभी भी आपके मन मुताबिक नहीं होगा और आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसे जी रहे हैं वह आपकी बनाई हुई है। इसे बुरा या बेहतर बनाना 100% आपके हाथ में है। दूसरों को जिम्मेदार ठहरा कर आप खुद अपनी ही बाजी हार जाते हैं। इसके बाद आपके पास भी करने के लिए कुछ नहीं रह जाता, यहाँ तक कि खुश रहना भी नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखिए, सफल होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। यदि आप मिर्च का पौधा लगाते हैं तो ये कुछ ही महीनों में आपको मिर्च देना शुरू कर देगा, लेकिन ये पौधा इतना ताकतवर नहीं होगा कि लंबे समय तक जीवित रह सके। लेकिन यदि आप आम का पेड़ लगाते हैं तो आपको कुछ साल इंतज़ार करना होगा और इसके बाद आपको फल मिलने शुरू होंगे और आपके ये पेड़ कई सालों तक फल देते रहेंगे। सफलता भी कुछ ऐसी ही होती है दोस्तों। यदि आपको दूसरों की अपेक्षा देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए। जिस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा उस दिन इतना ज़्यादा और इतने लंबे समय के लिए मिलेगा कि आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी कम नहीं पड़ेगा और दुनिया आपकी मेहनत को याद रखेगी। अक्सर जो चीज़ जल्दी मिल जाती है वो उतनी ही जल्दी चली भी जाती है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और मेहनत करते रहें। दोस्तों, ऐसे ही प्रसंग को सुनने के लिए और मुझसे हमेशा जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियोस अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।